दोस्तों अभी ये दोस्तों ये मेन द्वार है, इसका हमारी यात्रा शुरू होगी मंदिर जाने की। यहाँ महेश, रविंदर और उसके बाद हमने ये धर्मशाला और दोस्तों ये मंदिर के रास्ते में हम निकली। देखो जा लिया, देख लीजिए इसमें से जाना पड़ता है। ये सामने दोस्तों ये सबसे बढ़िया ये थाली आया है। दोस्तों ये हम यहाँ पे खाटू श्याम के मंदिर के पास पहुँच गए हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारा है, ये देखिए लोग आ रहे हैं और इधर ये धर्मशाला वगैरह है। तो अभी हम जाएंगे धर्मशाला में और वहाँ नहा फिर फ्रेश होके निकलेंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और उसके बाद हमने ये धर्मशाला में यहाँ रूम लिया है। चलो मैं आपको इसका टूर कराता हूँ। देखिए और यहाँ पे देखिए ये खाना वाना भी बन रहा है। दोस्तों ये देखिए ये अंदर से है, ये धर्मशाला है और यहाँ ये रूम्स बने हुए हैं और रूम है, लोग सब यहाँ आते हैं। हमने भी ये रूम लिया है और चलिए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह का है, कुछ बड़ा शानदार सा यहाँ पे है ये धर्मशाला। और आइए दोस्तों ये रूम लिया हमने यहाँ पे और ये रूम हमने सिर्फ 500 रुपये में लिया है। अटैच बाथरूम भी है इसमें और ये बेड है और यहाँ टेबल है, हमने अपने बैग रखे हैं और इसमें फैन है और एक लास्टिंग मिरर लगा हुआ है। तो वैसे सिंपल है लेकिन अच्छा है, चार लोग हम आराम से इसमें हम रेस्ट करेंगे। दोस्तों इस समय हम खाटू श्याम जो श्री श्याम का जो मेन द्वार है उसके पास आ गए हैं और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी मंदिर जाने की। तो अभी हम तीनों चारों यहाँ पे तैयार हैं, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों ये मेन द्वार है इसका, ये देख रहे हैं आप और यहाँ पे देख रहे हैं कितने रौनक है। दोस्तों अभी ये निशान ले लिया हमने और ये लेके हम मंदिर परिसर में जाएंगे, एंट्री करेंगे। जय खाटू श्याम, जय हो बाबा खाटू श्याम की जय हो। दोस्तों अभी हम खाटू श्याम मंदिर के लिए चलने लगे हैं, हम मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ महेश, रविंदर और इधर मिस्टर छोटा चेतन तो चलिए। ये मंदिर की
की तरफ जा रहे हैं, हम रास्ते में हैं और आगे ये लोग सब जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और ये बाबा के लिए गुलाब का फूल लिया है चढ़ाने के लिए। तो गर्मी तो बहुत है पर मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों। पीछे से आते हैं जब तो बहुत चलना पड़ता है, यहाँ पे चल चल के अपना मंदिर की तरफ जाते हैं। ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं देखने लिए रहा, और काफी भीड़ है बट मजा बहुत आ रहा है। मंदिर का सफर तय हो रहा है, ये रास्ते में ही है, और ये दुकानें सब देखिए। काफी अंदर है यार महेश। हाँ भाई, फ्लावर वगैरह चलता है दोस्तों। अगर आप आते हो तो मेन द्वार से अंदर आने के समय कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके बाद मुख्य मंदिर तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए जय बाबा खाटू श्याम। तो भाई हम सही जा रहे हैं। दोस्तों ये मंदिर के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ जाने के लिए देखो जालियाँ से लगी, इसमें से हमें जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, इसमें से जाना पड़ता है घूम घूम के। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे। रविंदर भी आ रहा है हमारे साथ। कैसे रविंदर? बहुत बढ़िया। जय बाबा खाटू श्याम। परिक्रमा चल रही है सबकी, सब परिक्रमा लगा रहे हैं अपनी। दोस्तों अभी परिक्रमा चालू है, चल ही रही है परिक्रमा।
दोस्तों अभी हम यहाँ लंच करने के लिए आ गए हैं, एक रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एम्बियंट है इसका, बढ़िया रेस्टोरेंट है। सब लोगों ने इसी को फाइनल किया, तो इसके बाद हम यहीं लंच करेंगे। आगे दिखाते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। दोस्तों ये थाली हमने ऑर्डर की है, और इस थाली में आप देख रहे हैं बहुत कुछ है, बहुत सी वैरायटी है। चावल है, रोटी है, पापड़ है, सैलेड है, रायता है, मिठाई है, सारी चीज़ें हैं। कैसी थाली हमने ऑर्डर की है, तो इसका टेस्ट करके हम बताते हैं कि ये तो वाकई बहुत अच्छी थाली मंगाई है। ये तो रविंदर ने इसको ऑर्डर किया, तो वाकई बहुत अच्छी थाली आई है, और खाना भी बहुत टेस्टी है। वाकई बहुत टेस्टी खाना है। तो ये देखिए कड़ी पकौड़ी है, आज हम लोग खुश हो गए हैं। वहाँ क्या था, वो जो था वो क्या था? वो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो थाली है कैसे खत्म करें, कैसे खत्म करें। मतलब खाना इतना अच्छा लगा आपको इस थाली में? सबसे बढ़िया दाल पुलाव जो अच्छा है चावल का, फिर कड़ी है, ये जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला है उसे भी देख के मज़ा आ रहा है। ये जो मारवाड़ी पापड़ है ना, इन्हें चार चार लगा दिए। कहने का मतलब है पूरी थाली अच्छी है, बहुत अच्छा खाना लिया है, इसको सजाया बहुत अच्छे तरीके से है। जिस तरीके से डेकोरेट करके ये थाली आया है, सबसे अच्छी बात है जी, थाली महंगी है लेकिन अगर इस थाली में एक साथ तीन लोग खा सकते हैं, इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। और अच्छा है, इसी तरीके का हम आगे भी जहाँ भी जाएँ इस तरीके का वैल्यू फॉर मनी हमारी ट्रिप हो, खाना भी वैल्यू फॉर मनी हो, रहना भी वैल्यू फॉर मनी हो। तो दोस्तों अभी जो हम ट्रिप पे आए हैं, इस पर हमारा क्या खर्चा हुआ है, कैसा रहा है बजट, वैल्यू फॉर मनी रहा है, इसका डिटेल में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि जब भी आप राजस्थान में रिंगस खाटू श्याम आते हो कितना तक का आपको खर्चा पड़ जाएगा, और कितने एक्सपेंस में बजट में आप आराम से आके घूम सकते हो, और एक दिन में घूम के जा भी सकते हो। ये सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना आप। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे को हौसला मिलता है और मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। दोस्तों ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। Thanks a lot.